हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। अल्फ़ाबेट्स हम लास्ट में लेंगे, किन लोगों के पर्सन के नाम निकल कर आते हैं, किन को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, ये चेक करने के लिए। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस काफ़ी दिनों बाद आज मैं यूज़ करूँगी आपके लिए। और रून से हम देखेंगे सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कर लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए। अगर आप वन लाइन में कोई मैसेज उन तक पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी मौजूद है, आप अपने मन में उनके लिए एक मैसेज सेंड कर दीजिए। वन लाइन का मैसेज होना चाहिए, ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं होना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे प्रार्थना है कि उनका मैसेज उन तक पहुँचा दें और आपके पर्सन की एनर्जी बताएं। जिसके बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके, सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, इमोशंस हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, बहते जा रहे हैं, जैसे बहता पानी रहता है वैसे बहते जा रहे हैं सिचुएशन के साथ। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, डोर्स जो लॉक्ड हैं, जो सिचुएशंस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं आप दोनों के बीच में, तो वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जल्द ये एक्शन भी लेंगे, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत प्रॉपर वे में एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं, और काफ़ी जल्दी यहाँ क्विक एक्शन की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन जो हैं इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथी आप दोनों के बीच में हो रही है इस वक्त करंट एनर्जीज़ में। हो सकता है आपको उनके ड्रीम्स आ रहे हों या उनको आपके ड्रीम्स आ रहे हों, यहाँ तक कि वो कोई ना कोई एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं जो कि आप तक पहुँच रही है। सडनली अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी आँखें फ्लक्चुएट करने लग रही हैं, इचिंग होने लग रही है आँखों के कॉर्नर्स में, या सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके थर्ड आई पे कुछ चल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में या लेग्स में कहीं भी अचानक से फड़क रहा है कोई पार्ट, बॉडी पार्ट जैसे वाइब्रेट हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, सडनली हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है या हैवीनेस लग रही है, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आप तक रीच आउट कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है, तो उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है, जो बाकी रिलेशनशिप से डिफरेंट है, और इस रिश्ते को ये काफ़ी ब्रॉड वे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, दूर तक देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये क्या कर सकती हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। सिक्स सेंस इनका इस वक्त बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग। आप में से कई लोगों के पर्सन यहाँ पे देखिए एनर्जी है, एक तरह से आप समझ लें सॉलिट्यूड की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में रहना चाह रहे हैं, ये आपसे बात तो करना चाह रहे हैं बट कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बात करना चाह रहे हैं तो मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करने की जो एनर्जी होती है ना, कि इंसान जब तपस्या करता है या जब मेडिटेशन करता है तो वो अकेले रहना चाहता है, अपनी पावर्स में वापस आना चाहता है ताकि फुल फ्लेज्ड एक्शन ले सके। तो ये उस तूफान के आने के पहले का जो सन्नाटा होता है वो वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। देन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंक्लाइंड हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि इनके पास समय नहीं है कोई भी और चीज़ के बारे में सोचने का, बट एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन फाइनेंशियली इसलिए बिजी हैं क्योंकि वो अपनी आप को, अपनी एनर्जीज़ को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो एनर्जी ड्रेन हो रही है उसको कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में ये रुके ना रहें।
आगे बढ़ते रहें, ग्रोथ होती रहे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो फिश की एनर्जी है आपको ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन जो हैं इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अंदर ही अंदर वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, बट सामने से शो नहीं कर रहे। एंड देन वी हैव कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में भी हैं इस वक्त, सबके पॉजिटिव में नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पर परसेंटेज बताऊँ तो 10-15% लोग ऐसे भी हैं जिनके पर्सन इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है आपको। इन्होंने आपको बोल भी दिया है ओपनली कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, कल को बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, बेटर है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, शादी कर लें। इस तरह के मैसेजेस उन्होंने आपको दिए हैं। लेट्स क्लेरिफाई दिस, क्या इन्होंने दिल से कहा है ये सारी चीज़ें या किसी मजबूरी में कहा है? सो हमारे पास यहाँ पर है, देखिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। इन्होंने दिल से कहा है, इसलिए नहीं कहा है कि आपसे प्यार नहीं है, इसलिए कहा है क्योंकि ये स्टैंड नहीं ले पा रहे, ये मजबूर हो रहे हैं उन लोगों के सामने जो अथॉरिटेटिव लोग हैं, मे बी इनके फादर, मे बी इनके मदर, मे बी इनकी लाइफ में सोसाइटी इश्यूज, उनकी वजह से ये हारा हुआ फील कर रहे हैं, उनकी वजह से यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है शायद ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे आगे चल के। 6 महीना आपको इंतज़ार कराने के बाद अगर ये बोलते हैं कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसलिए पीछे हट रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की ये भी वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। विल टेक 4 मैसेजेस, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन में। पहला मैसेज है आपके लिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू पुट इन टू वर्ड्स बट देयर इज़ जस्ट समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स मी फील इनक्रेडिबली कनेक्टेड टू यू। आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते बट आप में ऐसा बहुत कुछ है जिससे कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। सेकेंड मैसेज है, आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर वॉट लाइफ थ्रोज अवर वे। ये हमेशा आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, चाहे ज़िंदगी इनके सामने कितने भी कंकड़ पत्थर फेंके, कुछ भी इनको हर्डल्स का सामना करना पड़े, बट आपके पर्सन आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। देन वी हैव, आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग दैट आई कुड नेवर फाइंड एंड देन आई मेट यू। ये बहुत समय से कुछ ना कुछ सर्च कर रहे थे और इनको मिल नहीं रहा था, वो इनको सुकून नहीं मिल रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, और आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी वो सर्च ख़त्म हो गई। देन वी हैव मेरी लिखी हुई शायरी, कोई पूछ रहा है मुझसे मेरी ज़िंदगी की कीमत, मुझे याद आ रहा है तेरा हल्के से मुस्कुराना। और एक कार्ड और लेंगे हम, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। योर आइज़ आर लाइक ट्विन स्टार्स बर्निंग विद अ लाइट दैट वार्म्स माई सोल। आपकी आँखें इनको बहुत ज़्यादा एक ट्विन स्टार की तरह इनको लगती हैं, स्टार्स की तरह शाइन करती हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो वार्म्थ है वो इनकी सोल को बहुत ज़्यादा लाइटन अप करती है, बहुत ज़्यादा इनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होते हैं जब भी आपके संपर्क में आते हैं। देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, किन लोगों को बहुत जल्दी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक इट आउट, प्लीज़ गाइड करें कौन से अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जिनको मैसेजेस रिसीव होंगे बहुत जल्द। कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ गिर गए हैं तो हम लेंगे। मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से दिखें। सो वी हैव टी, सी, ए, डब्ल्यू, डी, एल, एच, अगेन डब्ल्यू, ओ, एन, वाई, ई, एक्स, C again, R, E again, Q। इसका मतलब है कि W अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर है, E है, C है, ठीक है,
जो भी डबल अक्षर आए हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को कॉल मैसेज आने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। इसके अलावा वी हैव टी ए डब्ल्यू, डब्ल्यू तो हो गया, एल वाई ओ डी एच एन क्यू आर एंड एक्स, तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं गाइस। अगर आपके नाम, आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स में है, तो ये एनर्जी और ये मैसेजेस बहुत क्विकली आपसे रेजोनेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।